गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारे मीडिया के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहानी लेखन से जुड़े एक विषय। कहानी लेखन अपना पूर्व में हो चुका है, अब कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाए, अर्थात कहानी को नाटक के रूप में अभिनय के माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। नाटकों के बारे में पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार नारायण प्रसाद बेताब ने कहा कि न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, खालिस उर्दू यानी पूरी तरह से उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। मतलब वहाँ पर इतना आनंद प्राप्त होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कहानी को नाटक के रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो दोनों में बहुत कुछ समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती है। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है, भाषा भी एक जैसी होती है, फिर ये लिखने की जो विधाएं हैं इन विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों होता है? आखिर वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? विधा यानी टेक्निक, पैटर्न। अब यहाँ पर जैसे कहानी सुनने में अलग मज़ा आता है, नाटक देखने में अलग मज़ा आता है, क्योंकि नाटक लंबे समय तक दिमाग में स्थिर हो जाता है, दृश्यात्मक प्रभाव होता है, वो श्रव्य प्रभाव कहानी में होता है और दृश्य प्रभाव नाटक में होता है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है, न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं, इसलिए भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार स्वरूप उनका बदलता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया भी चलती रहती है, मतलब जो साहित्यिक विधा है इनका स्वरूप किसके आधार पर बदलता है? समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, और इस तरह से एक विधा दूसरी विधा में आती और जाती रहती है। जैसे कहानी का ही क्या किया जाता है, नाटक के रूप में रूपांतरण किया जाता है। अब बात करते हैं कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए। सबसे पहले कहानी और नाटक में जो वैविध्य है, वैविध्य अर्थात विविधताएं हैं, जो डिफरेंस है तथा जो समानताएं हैं उनको समझना अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा कि नाटक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक का संबंध किससे होता है? लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि दृश्य काव्य है, ये दृश्य का क्षेत्र, मतलब इसको अभिनय के माध्यम से दिखाया जाता है, और दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, क्योंकि देखी हुई चीज़ आदमी इतनी आसानी से नहीं भूलता। इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग क्या करते हैं, देर तक याद रखते हैं। आज यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के कई बार नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं और कई तरह से हो चुके हैं। अब कहानी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहानी को क्या कहा जाता है, या तो कही जाती है या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक क्या होता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अपने अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जो क्या करता है, दर्शकों के मन में भावों को जागृत करता है। अब जब अभिनय करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रंगमंच होता है, और उस मंच पर क्या होती है, नाटक के दृश्य के अनुसार सजावट की जाती है। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश की व्यवस्था होती है। बस कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, और कहानी का क्रम से विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की
आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं होता। इसलिए आप देखो, आप जब नाटक देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आपको दिखाए जाते हैं, द्वंद्व आपको दिखाए जाते हैं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की जो विस्तृत कथानक होता है या कथा वस्तु होती है उसको समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सारे एक साथ तो दृश्यांकन हो नहीं सकता, इसलिए उनको टुकड़ों में विभाजित करके उनका दृश्यांकन किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है, और ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो, कि कोई स्थान फिक्स नहीं हो और समय का भी कोई पता ना हो। कहानी की जो कथा वस्तु होती है, कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्यों को बनाया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वो एक ही दृश्य होगा। जैसे बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी की। ईदगाह कहानी के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन को और कौतूहल को लंबा और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे के पास जितने पैसे होंगे वो उनको उतना और उस तरीके से खर्च करने का सोचता हुआ दिखाया गया है। इसके लिए उसने क्या किया, पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा कहां पर रुकता है, हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस गांव में सबसे गरीब हैं, ईद उनको भी मनानी है लेकिन कैसे मनाएंगे, और यहाँ पर उनके संवाद भी दिए गए हैं। अब आगे स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है कि स्थान और समय के आधार पर क्या किया जाएगा, कहानी का विभाजन किया जाएगा और उसके आधार पर दृश्यों को लिखा जाएगा और फिर उनका अभिनय करके उनको प्रस्तुत किया जाएगा। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो, मतलब जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह उचित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनुचित दृश्य का या अनुचित कथानक को दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का वास्तव में हिस्सा है, क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो। क्यों? क्योंकि अनावश्यक दृश्य क्या करेंगे, नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक क्या हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। आपने देखा है कई बार बहुत सारे नाटक होते हैं जो आपको बोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दृश्यों को अनावश्यक गतिविधियां डाल करके बहुत लंबा खींच लिया जाता है और जब वो लंबा हो जाता है तो आपको बोरियत होने लगती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथा के अनुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं, क्योंकि तार्किक विकास आवश्यक है। हर घटना हर दृश्य के बीच तर्क होना जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसे संरचना पर विचार भी करना आवश्यक है कि वह दृश्य क्यों बनाया और उसके संरचना ऐसी क्यों बनाई। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है और कथा के अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। मतलब लास्ट में एंडिंग इस तरह से दी जाती है जो अगले दृश्य के संकेत हमें पहले से ही कर जाती है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत
तीनों होते हैं। दृश्य कई काम एक साथ करता है, एक ओर तो वह कथानक को आगे बढ़ाता है और दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है कि पात्रों के बीच में जो संवाद होते हैं वो उस परिवेश को स्थापित करते हैं, चलते हैं। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है कि अगले दृश्य में क्या घटित हो सकता है। और आप लोग जब कोई भी नाटक का समापन होता है रोजाना आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कोई घटना को सस्पेंस में छोड़ा जाता है और ये पता पड़ता है कि इसके बाद ये भी हो सकता है। क्यों? सस्पेंस नहीं डालेंगे तो आपकी रुचि नहीं बनेगी और आप अगला दृश्य आप अगला सीन कैसे देखेंगे, इसलिए उसमें सस्पेंस रखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हो जिनमें लेखक ने केवल विवरण ही दिया है, उसमें कोई संवाद ना हो, मतलब कोई सीन ऐसा भी डेवलप किया जाता है जिसमें कोई बातचीत नहीं होती, केवल विवरण होता है। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियाँ, सूचनाएँ और घटनाएँ जो हैं वो दोहराई न गई हो। धन्यवाद, बाकी आगे की कक्षा में।